आज देखेंगे हर छठ त्यौहार के बारे में। हलषष्ठी त्यौहार को हर छठ, कमर छठ या ललही छठ त्यौहार के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को इन चार नामों से जाना जाता है। यह त्यौहार उत्तर प्रदेश और बिहार तथा और भी राज्यों में मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस हलषष्ठ को कमर छठ के नाम से जाना जाता है, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। भारत में हलषष्ठी त्यौहार हर राज्य में अलग अलग नाम और अलग अलग विधियों के द्वारा सिर्फ माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये हलषष्ठ का व्रत रखा करती है। इसके पूरे नियम विधि को पूरे जान लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की व्रत त्यौहार वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह व्रत महिलाएं निर्जला रखती है। हर छठ त्यौहार के दिन महिलाएं सुबह में उठती है और महुआ के दातुन से मुँह धोती है। दिन भर कुछ नहीं खाती, न ही कुछ पीती है। यानी जो महिला यह व्रत रखती है वह निर्जला रखती है। नहा धोकर अच्छा सा कोई वस्त्र पहनती है और शाम को पूजन के लिए अच्छे से जगहों पर आटा से चौक बनाया जाता है और झरबेरी, पलाश की टहनी, कंस की डाल को बांध दिया जाता है। यह त्यौहार में 6 प्रकार के अनाज लगता है, कहीं कहीं पर 7 प्रकार का। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरहों का अनाज लगता है। इसमें गेहूं, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग, महुआ इकट्ठा करके सुहाग का सभी सामान रखते हैं। बता दूं कि इस व्रत में गाय का घी, गाय का दूध, दही, कुछ भी सामान का इस्तेमाल नहीं होता। जिस खेत में बुआई ना हुई हो उसी खेत का अनाज इसमें लगता है। मतलब जिस खेत का धान लगता है उस खेत में हल नहीं चलाया जाता है। उस चावल को पसहर चावल के नाम से छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। इस व्रत में भैंस का दूध, भैंस का दही, खोआ, घी, मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है। हलषष्ठ देवी की फ़ोटो कैलेंडर या गौरी गणेश की मूर्ति बनाकर हलषष्ठी देवी की पूजन की जाती है और जिस गोबर का उपयोग किया जाता है वो गोबर भी गाय का नहीं होना चाहिए। साल 2024 में यह पर्व 24 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा और पंचमी तिथि मतलब यह त्यौहार हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार का महत्व देख लेते हैं। यह त्यौहार ज़्यादातर पुत्र वाली महिला ही रखती है। अपने पुत्र की लंबी उम्र, बेहतर स्वास्थ्य और उसके सुरक्षित जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। हर छठ का व्रत वही महिला रखती है जिनका बेटा होता है। यह त्यौहार करने से पुत्र की ज़िंदगी में सुख समृद्धि बनी रहती है और बेटे का मन हमेशा खुश रहता है, हर परेशानी से दूर रहता है। यह इस त्यौहार का खास महत्व है।